الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اگلی مجلس میں اس کا ترجمہ تو ہو چکا تھا، وضاحت بھی آئی تھی، آج پھر دوبارہ ترجمہ سن لیجیے. قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار، ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ، الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی. اس چیز سے پناہ، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر اور برائی سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. میں نے اگلی مجلس میں وعدہ کیا تھا کہ وساوس کے متعلق کچھ عرض کروں گا، کیونکہ آج کل سب سے بڑا پرابلم جو ہے دیندار طبقے کو ہے وہ خیالات اور وساوس کا. بہت سے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، خاص کر کے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوالات کے جواب میں، وہ آپ کے سامنے کچھ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ پیش کی جائیں، تاکہ اس سلسلے میں آپ کو
इतनी ऐसी मालूमात हो जो इत्मीनान का जरिया बने। अल्लाह तबारक ताला जजाए खैर दे हजरात साहबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को, उन्होंने बहुत सी वो बातें जो हमें पेश आती हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब देकर उसका हल बतलाया। इन वसाविस के सिलसिले में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे इरशादात हैं। हमारे यहां मदारिस में जो आखिरी साल है उससे पहले छठा साल है, मिश्कात का साल कहते हैं, वो मिश्कात हदीस की किताब है। उसमें साहिब मिश्कात ने मुस्तकिल एक उन्वान कायम किया है, बाबुन फिल वसवसा, वसवसे के सिलसिले। ये बड़ा अहम मसला है। उसमें इस सिलसिले से बहुत सारी रिवायतें उन्होंने पेश की हैं, उन सबका पेश करना तो मुश्किल है, बकदर जरूरत कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक तो इरशाद जो बुखारी शरीफ और दूसरी हदीस की किताबों में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के रिवायत से है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा वसवसत बिही सुदूरहा मालम तामल बिही औ ततकल्लम। अल्लाह तबारक ताला ने मेरी उम्मत से माफ कर दिया उन चीजों को जो उनके दिलों में वसवसे आते हैं, जबकि वो उस पर अमल न करें या उसको अपनी जबान से अदा न करें। एक हदीस तो ये है। दूसरी एक रिवायत मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की है, फरमाते हैं, इन नासम मिन असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सालुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, इन्ना नजेदो फी अनफुसिना मा यतआज़बो अहदुना अन यतकल्लम बिही, हम अपने दिलों में कुछ ऐसी बातें पाते हैं जिसको अपनी जबान से बोलना और जाहिर करना हमको बहुत भारी और घृणा मालूम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये सवाल सुनकर उनसे पूछा, अवकद वजद तुम हो, क्या वाकईतन दिल की ये कैफियत है, इन ख्यालात की वजह से तुम्हारे दिल में ये एक, अगर हम इसको उसके जाहिर करने को तुम बहुत गिरा और भारी मान समझते हो। उन्होंने कहा, जी ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़ालिक सरीह ईमान, ये तो खुल्लम खुल्ला ईमान है। तीसरी एक रिवायत है मिश्कात में, ये भी है इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की, अन्न रजुलन सालन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, वहद्दसो नफ्सी बिशय, मैं अपने दिल से कुछ बातें करता हूं दिल में ही दिल में, ला नकून हममतन अहब्बो इलैया मिन अतकल्लम बी, मैं कोयला हो जाऊं जल करके, ये मुझे ज्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि उन बातों को अपनी जबान से बोलूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द अमरहु इलल वसवसत, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इसका मामला वसवसे तक लौटा दिया। ये तीन रिवायतें अभी इंशाअल्लाह इन्हीं तीन रिवायतों को सामने रख करके आपके सामने इस मौजू पर कुछ बात करता हूं।
ताकि आज हमारे नौजवान और आजकल दीनदार ये वसाविक दीनदार तबके को ही पेश आते हैं, याद रखना, और ईमान वालों को ही पेश आते हैं, और ईमान वालों में भी जो दीनदार होते हैं उनको काफिरों को तो कह पाएंगे। इसलिए कि शैतान इन वसाविस के जरिए से ही जो है सामने वाले को अपना शिकार करता है। तो काफी तो पहले से काफी नहीं है, उसको वसवसा डालने की क्या जरूरत, शैतान अपनी मेहनत का ही को बेकार बर्बाद करेगा। वो तो लतीफा याद आ गया, हमारे हजरत मुफ्ती साहब नवर अल्लाह मरकज़हू फरमाया करते थे, जिस जमाने में हजरत का क़याम तदरीस की निस्बत से शुरू में वहां मदार उलूम में था आजादी से पहले की बात, उस जमाने में ये कादियानियत जरा जोर था शुरू शुरू में, तो बहुत से लोग कादियानी हो रहे थे। एक शिया आया हुआ था और वो कई रोज वहां ठहरा मदरसे के मेहमान खाने में, और इन मुख्तलिफ मसाइल पर मुफ्ती साहब से उसने बातें की, सवाल जवाब सब। उसने एक बात ये भी कही कि देखो ये है ना अपने मजहब की हक्कानियत शीयत के हक होने को जाहिर करने के लिए ये जितने भी कादियानी बनते हैं वो सब सुन्नी, एक भी शिया आज तक कादियानी नहीं बना। हजरत ने जवाब में फरमाया कि शैतान बेवकूफ थोड़ा है जो अपनी मेहनत जाया करे, वो जानता है कि शिया तो पहले से ही काफिर है, उस पर मेहनत करके उसको ईमान से काय को मालूम करूं, ईमान जिसके पास है उस पर जरा कुछ मेहनत होनी चाहिए। हकीकत तो यह है, ये जो वसवसे हैं ये ईमान वालों को ही आते हैं, और वो भी जो दीनदार तबका है जो दीन पर अमल करता है उसी को आते हैं ज्यादा। तो अब ये वसवसे की मुख्तलिफ किस्में हैं, हर एक का हल आपके सामने मैं पेश करूंगा। पहली किस्म वसवसे की वो है जो ईमानियात से मुताल्लिक, हमें जो ईमान लाने का हुक्म दिया, आप पढ़ते हैं बचपन से किताबों में ईमान, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही मिनल्लाहि तआला वल बाथि बादल मौत, ये ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर और दोबारा जिंदा यह तकदीर पर, भला हो या बुरा सब अल्लाह ही की तरफ से है, और दोबारा फिर जिंदा किए जाने पर, ये ईमान ईमान मुफस्सल जो आप पढ़ते हैं उसमें जो जो चीजें अहम हैं उनको जिक्र किया गया, कुरान में भी है ये अहकाम। तो देखो अब ये ईमानियात, ईमान लाना हमें जरूरी करा, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह की अल्लाह पर दो चीजों का ईमान, एक तो अल्लाह की जात को मानना है, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं, नऊज़ु बिल्लाह ऐसी बातें करते हैं, अल्लाह ही का इनकार करते हैं। इनकार करने वालों ने हर एक चीज का इनकार किया, अल्लाह के वजूद का भी इनकार किया। एक हकीकत अलबत्ता ऐसी है मौत, जिसका आज तक कोई इनकार नहीं कर सका है, बाकी तो सबका इनकार करने वाले दुनिया में है। तो महाराज पहला तो एक अल्लाह ताला को माने उसके वजूद को और उसकी सिफात पर ही मानना, अल्लाह ताला की सिफात पर, अल्लाह ताला अलीम है, इल्म वाला है, कुदरत वाला है, सुनने वाला है, देखने वाला है, और वो जो अल्लाह के 99 नाम आप पढ़ते हैं उनमें अल्लाह ताला की जिन सिफात को बयान किया गया है वो सारी चीजें, उनको अल्लाह को मानो, अल्लाह की सिफतों को मानो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। जो अल्लाह पैदा करना, पैदा अल्लाह ही ने किया, कोई दूसरा, कोई ऐसी दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो पैदा करना जान अल्लाह के अलावा पैदा करने वाली, इस तरह जो कुछ देने वाला है वो भी अल्लाह ही देता है, ये सब तुम्हारा कि अल्लाह के मुताल्लिक ईमान लाना, अल्लाह की जात पर, उसकी सिफात पर, रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह ने हजरत आदम अला नबियना वाली सलातो सलाम के जमाने से लेकर हुजूर सलासम तक मुख्तलिफ दौर में, अदवार में, मुख्तलिफ जमानों में
موقع با موقع نبی بھیجے جن کے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتے وحی لے کر کے آتے تھے اور وہ چیزیں وہ اللہ کے بندوں کو بتلاتے تھے, وہ احکام سکھلاتے تھے. تو یہ رسول ان کی رسالت اور نبوت کے اوپر, نبیوں کی نبوت پر ایمان لانا, آخری نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے, کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. تمہارا آپ کا اور آپ کی نبوت پر ایمان لانا, اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانا. ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کی ہے, جو نہ تو ابھی کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ سب پورا کرتی ہے. یہ سارے کائنات کا جو نظام اللہ تعالیٰ چلاتی ہے, اس نظام کا چلانے کے لیے یہ سارے فرشتے اس میں استعمال ہوتے ہیں. یہ اللہ میاں کا اسٹاف ہے فرشتے, اور بھی سارے کام اللہ تعالیٰ ان سے کرا. تو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, قرآن میں کہا گیا کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے ذرہ برابر بھی خلاف نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا. اللہ نے کتابیں بھیجی, چار کتابیں آپ جانتے ہیں, توریت حضرت موسیٰ کے اوپر اور زبور حضرت داؤد کے اوپر, انجیل حضرت عیسیٰ پر اور قرآن پاک ہمارے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ سب ان چیزوں پر ایمان لانا ہے, یہ ایمانیات کہلاتے ہیں. کیا یہ سب جڑ ہے ایمان کی, یہ عقیدہ اس کا رکھنا, اس کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا. اور اس میں خدا نہ خاصہ ذرا بھی 19-20 ہو گیا تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. تو یہ ایمانیات سے متعلق وسوسے ڈالتا ہے شیطان, بہت سی مرتبہ آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالے گا. کبھی بات بات رمضان آتی من صاحب ہم کو کھایا کیا نہیں بول سکتا, وہ بول تو صحیح تاکہ تم بولے تو ہم اس کا کوئی علاج بتا, نہ نہیں بول ہی نہیں سکتا, نہ نہیں سکتا ہم تو نہیں جانتا. اس کو کتنا ہی سمجھاؤ لیکن وہ بولے گا ہی نہیں, سمجھائے گا نہیں, زبان پر نہیں. وہی صاحب ہے نا, یہ تو آزم و احد ہونا یہ تو کل ہم ابھی ہم میں سے کوئی اپنی زبان پر لانا اس کو بہت گرا سمجھتا ہے, اتنا خطرناک وہ خیال ہے. کبھی خیال ڈالتا نعوذ باللہ, اللہ میاں ہے بھی کہ نہیں ہے, ایسا وسوسہ بالوں کے دن میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آئے بھی ہیں کہ نہیں آئے ہیں, ایسا وسوسہ لوگوں کے دلوں میں آتا ہے نبیوں کے متعلق, اللہ کی ذات کے متعلق. یہ ایمانیات سے متعلق وسوسہ, یہ وسوسے جو ہیں تو اب ان پہلی قسم وسوسوں کی یہ ہے جو ایمانیات کے متعلق, ان کے متعلق اب ایسا کوئی وسوسہ جب کسی دیندار نوجوان کو آتا ہے نا تو وہ بےچارا گھبرا روتا ہے اور یوں سمجھتا میں تو شیطان بن گیا, میں تو انسان ایمان سے نکل گیا. اور اپنے اس کو جب پوچھا جائے تو کیا وہ میری تکلیف ایسی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, بولنا بول نہیں سکتا, نبی کا کتنا سمجھاؤ بولے گا نہیں. تو اب اس کے متعلق صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا, کیا پوچھا؟ ابھی جو میں نے حدیث بیان کی تھی دوسرے نمبر پر, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے حضور سے پوچھا, انا نجدو فی انفسنا ما یتعاظم احدنا یتکلم, کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے دل میں ایسی چیزیں پاتا ہے کہ زبان پر لانا اس کو بڑا بھاری مانا. یا وہ جو دوسری روایت سو نفسی بھی شے, میں اپنے جی سے باتیں کرتا ہوں اور اس کو زبان پر لانا جل کر کوئلہ بن جانے سے زیادہ مجھے ناگوار ہے, یعنی یہ تو پسند کرتا ہوں جل کر کوئلہ بن, لیکن زبان پر لا نہیں سکتا. تو اب اس کا کیا؟ صاحب نے کیسا غریب جواب دیا انہوں نے پہلے سے. صاحب نے کہا کہ زبان پر لانا بہت بھاری معلوم ہوتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح الایمان, یہ تو کھلم کھلا ایمان, یعنی ایسا وسوسہ آنے پر تم کو جو تکلیف ہوئی اور تم جو یہ محسوس, تمہارا یہ احساس ہے, تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ یہ زبان پر لا سکتے, یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے.
अगर ईमान न होता तो आप उसको जबान पर लाना भारी न समझते। उसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील बताया, किसकी? ईमान। ये दूसरे लफ्जों में यूं ताबीर कर सकते हैं, हमारे हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और उसने इसी तरह की शिकायत की। हजरत ने कहा, भाई देखो, चोर उसी घर में जाता है जहां माल होता है। माल नहीं होगा तो वहां चोर का ही कदम रखेगा। तो ये शैतान तुम्हारे पास आया वसवसा डालने के लिए, मालूम है तुम्हारे दिल में ईमान है, तभी तो उस ईमान के हटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो उसी को बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये तो दो बातें, एक तो शैतान का इस तरह आकर मेहनत करना, ये ईमान होने, और दूसरा आप लोगों का उन वसवसों को, उन ख्यालात को क्या समझना? भारी समझना। ये खुद दलील है इस बात की कि तुम्हारे दिल में ईमान मौजूद है। अगर ईमान न होता तो हमें कैसे ख्यालात? काफिरों को तो ख्यालात क्या, वो तो जबान से ऐसी बातें बोलते हैं, तो अभी उनको कुछ भारी ईमान मालूम हुआ। ये ईमान, ये इससे यूं समझना कि ईमान निकल नहीं, बल्कि ये तो ईमान की दलील है। हमारा अकीदा अपनी जगह पर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, खाली इस तरह के ख्यालात से ईमान जाता नहीं। अलबत्ता एक बात कहूंगा, ईमान अल्लाह ताला ने बहुत कीमती चीज है जो हमें अता फरमाई। किसी भी आदमी के पास कोई कीमती चीज जब होती है तो उसकी कोशिश ये होती है कि उसको हर तरह से मैं बचाऊं, हिफाजत करूं। हमारे हमें अपने ईमान की हिफाजत बहुत मेहनत इससे करनी है, बहुत ध्यान से तकेदारी लेकर ईमान की हिफाजत के लिए बहुत चौकन्ना रहना है। बहुत से लोग क्या है, दूसरे गलत ऐसे ऐसे मजमून निगार, ऐसे लेखक, ऐसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, राइटर, जो जिनके मजामीन आते हैं, आजकल तो मीडिया पर मालूम नहीं क्या क्या आता है, मुस्तकिल प्रोग्राम ऐसे होते हैं, तो लोग उस प्रोग्राम को सुनते हैं। अरे भाई, ये तो शैतान ने ये चालू ही किया है हमारे ईमानों पर क्या करने के लिए, हमला करने। अब हम खुद जाके सुने, गोया हम अपने ईमान को पेश कर रहे हैं काय के लिए, खतरे के लिए। इससे तो उतना बचाना है हमको। बहुत से आजकल क्या हो गया, जैसे हमारे अखबार आते हैं, गुजराती अखबार, ये गुजरात मित्र है, गुजरात समाचार है, संदेश है, ये गुजरात मित्र हमारे यहाँ आता है तो उसमें आप देखते हैं एक पूर्ति आती है, धार्मिक पूर्ति है या नहीं? तो बात हमारे बहुत से मुसलमान, उनको कोई दीनी किताब देंगे तो उसको बर्तन की उत्तर नहीं, लेकिन ये पूर्ति जो है ना वो ए टू जेड पर डालते हैं, इन्ना लिल्लाही वइन्ना इलैहि राजिऊन। तुझे अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पढ़ने की तो फुर्सत नहीं, पैसे खरीद करके ये लिया, पैसे खर्च करके ये खरीदा। ये जो दीन की किताबें वो चाहे अल्लाह के बंदे मुफ्त छपवाते हैं, और मुफ्त क्या होती है, तकसीम होती है, लोग ले भी लेते हैं लेकिन उनको पढ़ने की, आप में अक्सर वो होंगे जिनके पास इस तरह की मुफ्त की किताबें आई होंगी जिन्होंने आज तक कभी उसको खोल के भी नहीं देखा। ये अखबार देखेंगे शौक, ये सब क्या है, ये सब गोया हम खुद अपने ईमान को खतरे पर क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। ईमान की बहुत बड़ी, बड़े बड़े ओलमा, बड़े बड़े साहबा ताबेईन, वो कितनी हिफाजत करते थे, मैं आपको सुनाऊं, हैरत हो। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जो ख्वाब की ताबीर के इमाम हैं, बहुत बड़े ताबेईन, उनके पास एक मर्तबा एक गुमराह फिरके से ताल्लुक रखने वाला एक आदमी आया। उस जमाने में भी गुमराह फिरके पैदा हो चुके थे ताबेईन के जमाने में, और आकर के उसने हजरत इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैं आपको कुरान पाक की एक आयत सुनाना चाहता हूं, बस अपनी जबान से, उसके अलावा और कुछ मैं बोलूंगा, आयत सुनाकर चला जाऊंगा।
हजरत ने कहा मैं तेरी जबान से इस आयत को सुनना नहीं चाहता, तुम मेहरबानी करके यहां से जा। अब वो जिद कर रहा था, वो अपने घर में थे हजरत। आमतौर पर आदमी घर में होता है तो कुर्ता उर्ता निकाल के बैठा हुआ होता है, तो वो भाई तू जा, वो जा नहीं रहा था, मेरा कुर्ता ला मैं ही चला जाता हूं। वो दूसरे लोगों ने फिर उसको कहा कि भाई तू इनको अपने घर से निकलने पर काय को मजबूर करता। तो उसको वहां से समझा बुझा करके निकाला। उसके जाने के बाद किसी ने पूछा कि हजरत वो अगर से गुमराह फिरके से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसने तो एक ही बात कही थी कि मैं आपको कुरान पाक की एक आयत सुनाना चाहता हूं, और साथ कह रहा था कि एक लफ्ज भी दूसरी बात मैं अपनी जबान से बोलूंगा नहीं, तो कुरान की आयत सुनने में क्या प्रॉब्लम था, क्या वहां जाता सुन लेते। क्या जवाब दिया, हम लोगों के लिए बड़ी इबरत, हम तो उनके इल्म के मुकाबले में जो है ना अंगूठा चाप है। उनका जो इल्म था इतना अजीम इल्म था, हमारी कोई हैसियत ही नहीं। फिर भी उन्होंने क्या जवाब दिया, एक गुमराह अकीदे वाले आदमी की जबान से कुरान पाक की आयत सुनकर हो सकता है कि उस आयत के सिलसिले में मेरे दिल में कोई जो है वादा एतराज पैदा हो जाए, और उसकी वजह से, और ऐसा जिसका बाद में हल मेरी निगाहों में न हो, और मैं उसकी वजह से ईमान से महरूम हो जाऊं, इसलिए मैं उसकी जबान से यह आयत भी सुनना गवारा नहीं करता। जबान जबान का भी फर्क होता, जबान जबान का भी फर्क, चीड़े की इसकी जबान से कुछ और सुनोगे तो उसका असर और है, दूसरे की जबान से सुनोगे तो उसका असर और। आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने कितनी एहतियात बरती। अब उनकी इस एहतियात के मुकाबले में हमारा क्या हाल है, हमारा तो वो जैसे खाते हैं अगरम अगरम बगरम, तो पढ़ते भी हैं क्या अगरम बगरम, जो आया जो आया। नहीं, पढ़ने के मामले में भी पहले तहकीक कर लो, ऐसा नहीं जिसका जो कुछ आया आपने पढ़ लिया, या अखबार में जो मजमून आया पढ़ लिया। आज क्या है, आज तो मीडिया ने ये तय कर लिया है कि मुसलमानों के अकाइद के सिलसिले में उनको ऐसे जो है शक और शुबे में डाला जाए कि धीरे धीरे वो अपने ईमान से महरूम हो जाए। आज की मीडिया की जो बातें फैलाई जाती, आज तलाक के सिलसिले में, अब ये तलाक के सिलसिले में मीडिया जो बातें चलाती है, हमारे बहुत से लोग सुनते हैं और उनके पास अपना तो कोई इल्म है नहीं, सुनने के बाद वही उन्होंने जो उसके ऊपर एतराजात जो वादे वचके निकाल, ये इसके दिल में बैठ जाते हैं। फिर आके वो मौलवी साहब के पास आए, मतलब इसका क्या, अरे ये तो तूने अपने दिल में ये बिठा लिया, ये चीज तो ईमान से मालूम करनी पड़ी, क्या जरूरत थी इसको सुनने की। कभी किसी आलिम दीन के पास, किसी माहिर के पास जाकर के कोई अच्छी बात तो सुनने की तौफीक हुई नहीं, ये सुन रहे। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये चीजें, हमारा ईमान कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत कीमती चीज है, उसकी हिफाजत का तकाजा है। इन सारी मीडिया में इस तरह के जितने भी प्रोग्राम आते हैं, या मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसमें जो चीजें आती है मजामी, उसको पढ़ो मत। खबर वबर आपने पढ़ ली, लेकिन इस तरह की हमें तो अपने दिन की बातें अपने मोतबर उलमा से सुननी, सुन करके इसके मुताबिक यकीन रखना। आज तो क्या हो गया, हर आदमी हर एक की बात इस सिलसिले में सुनता, नतीजा ये होता है कि ये शुकूक और शुबहात का और एतराजात का शिकार हो जाता है, और फिर धीरे 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 वो दीन से हट जाता है। इसलिए अपनी हिफाजत के लिए जरूरी है कि इससे बचो। एक वाकया सुनाता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मिश्कात में मौजूद है। मिश्कात में रिवायत है कि एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तौरात का एक नुस्खा, एक प्रत, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्ष पूरा एक ये तौरात का एक नुस्खा, गुजराती में प्रत कहते हैं,
वो लेकर के आए। अब तौरात तो आसमानी किताब है ना, लेकिन चूंकि कुरान में भी आ गया कि उन लोगों ने अपनी इस किताब में क्या कर दिया था, हेर फेर कर दिया था, अंदर तहरीफ कर दी थी, अदला बदली कर दी, इसलिए उसका भरोसा नहीं। अब जाहिर जो नुस्खा लेकर के आए थे वह ऐसा ही था, तहरीफ वाला, अदला बदली वाला। हजरत उमर ने ला करके कहा, अल्लाह के रसूल, ये तौरात का नुस्खा है। ये सुनकर खामोश रहे, अभी कुछ बोले नहीं, और हजरत उमर ने उसका पढ़ना चालू कर दिया, पढ़ना चालू कर दिया। अब वो तो अंदर देखकर पढ़ रहे, इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल, वो हजरत उमर पढ़ने में मशगूल, उनको पता नहीं। हजरत अबू बकर ने कहा, हजरत वो पास में थे, या इब्न अल खत्ताब, सकेलत कहूं, तुम्हारी मां तुमको रोए, यानी तुम्हारे तुम्हें मौत आ गई, तुम नहीं देखते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का क्या हाल है। जब हजरत उमर ने ये बात कही तो हजरत उमर ने आंख उठाकर देखा, हुजूर का चेहरा गुस्से से सुर्ख था, फौरन उसको बंद किया और औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाहि औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिहि व ग़ज़बि रसूलिहि, अल्लाह की मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की नाराजगी और उसके रसूल की नाराजगी से, रजी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, मैं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह का नबी होने पर दिल से राजी। बार बार ये जुमला पढ़ा तो हुजूर का गुस्सा ठंडा हो गया और उन्होंने ये फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आज हजरत मूसा आ जाए और तुम मुझे छोड़कर उनकी पैरवी करो तो तुम गुमराह हो जाओ। वो भी अगर आ जाएंगे तो उनको मेरी पैरवी करनी पड़ेगी। तुम्हारा मैं ये कहना चाहता हूं कि तौरात का नुस्खा था, तौरात तो आसमानी किताब थी ना, लेकिन चूंकि उसमें हेरा फेरी हो चुकी थी इसलिए आपने फरमाया। अब ये आजकल के जो राइटर लिखते हैं और उनकी जो किताबें आती है उसका क्या मतलब? इसलिए देखो, जिसका इल्म गहरा हो, जिसने दीन को समझकर पढ़ा हो, सारे दलाइल दीन के उसके पास मौजूद है, वो अगर ऐसी कोई चीज पढ़ता है तो पढ़े, वो तो इसको पढ़कर उसके अंदर खराबियां उसका उसको पता चलेगा तो उसका जवाब तैयार करेगा, लोगों को भी बताएगा। लेकिन जिसके अंदर ये सलाहियत नहीं है उसकी तो सलामती इसी में है कि अपने आप को इससे दूर। कहने का हासिल ये है, ऐसे असबाब जिसकी वजह से ईमान में शक और शुबा पैदा हो सकता है, वसवसे आ सकते हैं, उनसे भी अपने आप को बचाने की जरूरत है। भाई मच्छर बहुत होंगे, लोग क्या करते हैं, असर के वक्त से खिड़कियां बंद कर देते हैं, वरना एक आध खिड़की भी खुली रह गई रात को, यार मच्छरों ने आज सोने नहीं, क्यों, कोई खिड़की खुली रह गई। आप इस तरह जो है ये खिड़कियां खुली रखेंगे ना तो यही होगा ना कि नहीं। ये तो पहली खुलासा ये है कि इस तरह के अगर वसवसे ऐसे आ गए तो जैसा कि मैंने बतलाया कि हुजूर साहब खाली जब आप उस वसवसे को क्या समझ रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, तो उसको बुरा समझना ये अलामत और निशानी है इस बात की कि हमारे दिल में क्या है ईमान। अगर उसको बुरा नहीं समझेगा तो गए आज बारा। ये पहला पहली किस्म वसवसे की, उसका ये हुआ हल हुआ। दूसरे वसवसे की दूसरी किस्म, गुनाहों के वसवसे, फिस्क और फुजूर के वसवसे, यानी आदमी के दिल में ख्याल, चोरी कर लो, शराब पी लो, जिना कर लो, कत्ल कर लो, इसलिए इस लाइन में रहा हो उसको तो और ख्याल आता है, जो जिस लाइन में रहा होता है तोबा करके दिल में आया है तो अभी भी वसवसे इसके आते हैं, क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से तो नहीं जाएगा, तो ऐसा ये ख्याल आता है। तो ये जो गुनाहों के ख्याल इसको फजूल, तो उसके मुताबिक जो मैंने पहली हदीस पढ़ी थी कि जब आपके दिल में ख्याल आया कि मैं औरतें जा रही, मैं जरा देख लूं उसको, बंदीगाही कर, देखने का ख्याल आया, देखा नहीं, तो अगर ख्याल आया लेकिन आपने अपने आप को क्या किया, कंट्रोल किया, बचाया,
और देखा नहीं, तो उस ख्याल और उस वसवसे की वजह से कोई गुनाह नहीं होगा। उसी को हुजूर फरमाते हैं, इन ला तजावजान उम्मती मा वसवसत बिही सुदूरहा, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया मेरी उम्मत से उन ख्यालात और वसवसों को जो उसके दिलों उनके दिलों में आते हैं, मालम तामल नहीं और तकल्लुम, जबकि उस पर उसने अमल नहीं किया। अगर वो अमल की चीज है, जैसे देखना जिना का ख्याल आया, फलानी औरत से मैं जिना करूं ऐसा ख्याल आया, लेकिन उसने क्या किया, रोका अपने आप को, अगर रोका इस ख्याल उस ख्याल पर कोई गुनाह नहीं होगा रोकने से, अगर जब रोका था। या बोलने की चीज है, किसी की गीबत करने को दिल में चाहा, लोग बैठे हुए थे, किसी का तस्करा आया और बेचे नहीं होने दी, जरा उसकी लड़ाई करूं, लेकिन अपने आप को क्या कर दिया, रोक दिया, तो खाली उस ख्याल से गुनाह नहीं होगा अगर आपने कंट्रोल, मालम कामिल नहीं आओ जब तक के बोला नहीं, बोलोगे तो गुनाह होगा, बोलने की चीज है तो बोलो तो गुनाह होगा, करने की चीजें करोगे तो गुनाह होगा, करने की चीजें नहीं की, बोलने का गुनाह था नहीं किया तो गुनाह नहीं, बात समझ आई कि नहीं। तो ये हुआ जो जिसको फजूर के ख्याल आते उनका हल बतला दिया। तो बहुत सो को दिल में ख्याल, और कौन ऐसा है जिसको गुनाह का ख्याल ना, कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी हो उसके दिल में भी ख्याल से तो आएंगे। वो जो दूसरी हदीस सुनाई थी इब्ने अब्बास वाली, एक आदमी ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा, इन्नी उहद्दिसु फी नफ्सी बिशय, कि मैं अपने जी में कुछ बातें करता हूं। वो आदमी के दिल में चलता है, चक्कर चलता है, फलाने और मौका मिल जावे तो जरा मजा आ जाए, ऐसा सोचता है कि उसके साथ सोबत करने का मौका, जीना करने का मौका, सारा सवाल दिल में ख्याल आ रहा है, गैर इख्तियारी ख्याल भी आता है, न चाहते हुए भी आ जाता है। इसी तरीके से और तो गुनाह मुझको चोरी की आदत रही हो, तोबा कर चुका है, लेकिन अब ख्याल आते फलानी जगह बड़ा अच्छा मौका है, फलाना मॉल जो है, फलाने जो ये है क्या दुकानों की शोरूम है, उसमें बड़ा अच्छा मौका है हाथ मारने का, बड़ा माल लेना चाहिए, दिल में खाली ख्याल आया, रोका अपने आप को, उसने नहीं अमल नहीं किया। बारह वो नफसी भी शायद अपने जी में कुछ चीजें ख्याल आती हैं और उसको जबान पर लाना, ये मुझे जलकर कोयला बन जाने से ज्यादा सख्त मालूम, जलकर कोयला बन जाओ ये पसंद है, जबान पर नहीं ला सकते। खास करके जो नेक आदमी मशहूर हो, मैं अगर यूं कहूं कि मेरे जी में ख्याल आया है फलानी औरत को देखने का, जरा देख लू, तो एक आदमी जो अपनी नेकी में मशहूर है, अगर ऐसा कोई ख्याल है क्या किसी के सामने इजहार कर सकता है, अपने पक्के और लंगोटिए दोस्तों के सामने भी इजहार नहीं करेगा, उसके सामने भी बोलेगा नहीं, ये किसी के सामने नहीं बोले, ये तो वो जाने ना अल्लाह जाने, क्यों वो जानता था बोलूंगा नहीं करेगा, खाली ऐसा मुझे तो मैं नहीं। तो कहने का हासिल क्या है कि ऐसा ख्याल ये जो इसमें लगा, तो उस पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्दा अमरहु इलल वसवसा, एक तो उस पर अमल नहीं किया, हुजूर कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि उसने इसका मामला वसवसे तक रखा, यानी शैतान तो आया था, देखो शैतान खाली वसवसा डालने नहीं आता, शैतान तो आता है कि मैं इसके पास ये काम करवा के जाऊंगा, लेकिन इसने शैतान का इतना तो मुकाबला, वसवसे से तो अपने को बचा नहीं सका, लेकिन उस काम से अपने आप को उसने बचा लिया। जैसा देखो जैसी चीज होती है किसी असर भी उसी के मुताबिक होता है। शाहवल्ला साहब दयालु रहमतुल्लाह इस हदीस की शराह में फरमाते हैं कि असर करने वाले का असर तासीर उसकी, और जिस जो चीज असर कबूल करती है दोनों की वजह से उसमें फर्क पड़ता है,
एक बड़ा पत्थर लेकर के आपने मारा, सामने अगर शीशा है, ग्लास है, तो क्या होगा, वो चकनाचूर हो पत्थर से। शीशा नहीं है वो, कुछ और बना हुआ है जरा खूबसूरत, तो वहां गोबा पड़ जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। जैसी चीज है वैसा, या जैसे सख्त गर्मी है दोपहर की, जून की गर्मी, अब ये गर्मी जब पड़ेगी ना, नीचे जब उसकी सूरत की शुआएं आती, तो क्या होता है, पत्थर है तो क्या हो जाएगा, और अगर पीतल है तो और गर्म। अपने वो पीतल का भेजा है, बहुत जल्दी गर्म होता है वो तो बिल्कुल आग बन जाता है, उंगली रखोगे तो जल जाएगी उंगली, सुना है कि नहीं। लकड़ी है तो भी क्या हो जाएगी, वो भी, लेकिन पत्थर ज्यादा गर्म होगा, पीतल उससे ज्यादा गर्म होगा, लकड़ी उससे कम गर्म होगी पत्थर से, यहां तक कि ये जमीन जो है, ये मट्टी, वो भी क्या होती है, गर्म। खुले पांव हम नहीं चल पाते, जो आदि नहीं खुले पांव चलने के, हमारे जैसे लोग शहर में रहने वाले, हाथ वाले तो वहां चल लेते, तो बहरा वो उससे कम गर्म होगी, जैसे जैसी जगह उसके मुताबिक असर होता है। और एक किस्म पत्थर की वो भी है जो कोई असर कबूल नहीं करती। आप गए होंगे उमरा हज करने के लिए, मताब के अंदर सफेद पत्थर लगे हुए हैं, वो कोई मसनू ही नहीं है, बाकायदा है, ऐसा पहाड़ अल्लाह ने पैदा किया कि जो सूरज की शुआओं को अपने अंदर जज्ब नहीं होने देते, जिसकी वजह से वो गर्म ही नहीं होते, ठंडे ही रहते हैं, कोई असर नहीं होता उन शुआओं का। ऐसे ही शैतान आदमियों के ऊपर अपना असर डालता है, आदमी आदमी की तरह, कोई पीतल जैसा, समझा है कि नहीं, कोई लोहे जैसा, कोई पत्थर जैसा, समझा, कोई लकड़ी जैसा, न कोई वो मरमर का पत्थर जो हरम में लगा हुआ ऐसा। तो शैतान तो आता है, शैतान तो पूरा ये लेकर के आता है, पूरे हौसले के, इसके पास तो मैं जीना करवा के जाऊंगा, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। दिल में खाली वसवसा आया, मानो अब उस वसवसे के मुताबिक हम यूं कहें, हम यूं ने क्या फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द अमरहु इलल, तो उसका मामला वसवसे तक रखा। इसको एक मिसाल से यूं समझो कि किसी के घर रात को चोरों ने हमला किया, पिटाई की उसकी, वो हॉस्पिटल में दाखिल है, टांगे तोड़ डाली, हाथ तोड़ डाले, आप जो है उसकी खबर लेने के लिए गए, तो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह जान बच गई, अल्हम्दुलिल्लाह का ही पर भाई, तेरे से टांगे टूट गई, हाथ टूट गया, हाथ टूट गया ताकि उसका तो इलाज हो जाएगा, जान तो बच गई। तो यहां जो है वसवसा आया, लेकिन उस काम में वो काम नहीं किया उसने, उसी को तो खाली ये वसवसा, उसमें भी बहुत सी मतलब अल्लाह ताला हमको उस वसवसे के जरिए से बचा लेते, तो भाई उसका असर वसवसे तक रहा, आगे बढ़ने नहीं दिया। बहुत से लोग क्या समझ में दुआ करो, ख्याल आवेद नहीं, आवेद नहीं, न रहे बांस न बजे बांसुरी। अरे भाई अल्लाह ने इंसान को पैदा ही किया ऐसा, तभी तो इंसान का कमाल है कि इसमें गुनाह की सलाहियत है, कर सकता है फिर भी अपने आप को बचा। तो बहरहाल ये जो दूसरी किस्म है जिसमें ख्याल का ही के गुनाहों के, किसको फिजूर की, और उसने अपने ऊपर क्या किया, कंट्रोल किया, तो उस ख्याल की वजह से कोई गुनाह नहीं होता। आप समझ में आई कि नहीं, बहुत से लोग खाली ऐसे ख्याल की परेशान होते, अलबत्ता ये जरूरत है कि ऐसे ख्याल भी आने नहीं चाहिए, हमें अपना माहौल सुधारने की। बहुत से लोग दीनदार होते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ी देर ताशनी हासिल करने के लिए दूसरी पार्टी में बैठ जाते, और वहां बातें होती है तो वो बातों की वजह से वो भी चक्कर चलता है, उसका दिमाग भी, वो भी कुछ सोचता है, जरा बात सही आएगा, मतलब इनके साथ वहां चौपाटी पर हुआ,
अब ये क्या है, आपने अपना भाई आपको भी इस माहौल में जाना ही नहीं था। मैंने कहा हमें अपने ईमान और अपने नेक अमल की हिफाजत जो है हीरे और जवाहिरात से ज्यादा करनी, न ऐसे आदमियों की सोहबत, न ऐसा माहौल, हर चीज से अपने आप को दूर रखो। वरना ये करोगे और फिर यूं कहोगे ये हो रहा है मनसब, तो होगा ही। मैंने जैसा कहा खिड़की खुली रखोगे तो मतलब आएंगे और काटेंगे। तो महाराज ये दूसरी किस्म जो वसवसे की है उसका भी हुक्म ये कि हम उसके तकाजे पर अमल न करें। लेकिन याद रखना कि आदमी अगर माहौल बदलेगा नहीं तो फिर तो धीरे धीरे वो उसमें फंस ही जाएगा, उसका नजरिया बदलेगा। दोबारा ये दूसरा हल। तीसरी किस्म वसवसों की है जो गुनाह का तो नहीं है लेकिन बेमौका आया। क्या अल्लाह नमाज की नीयत बांधी, पहुंच गए दुकान पर, दुकान का ख्याल कोई गुनाह का ख्याल नहीं है। पहुंच गए घर में, बीवी के साथ बातें हो रही, कल हम तो पढ़ी जा रही है और बीवी के साथ बातें भी हो रही, सुना है क्या? तो बीवी के साथ बातें करना कोई गुनाह का काम, लेकिन हो रहा है कहां? नमाज बेमौका। ये तीसरी किस्म ख्याल है, इससे भी बहुत सारे लोग परेशान। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दरअसल यह है कि हमने अपनी नमाज पर जो मेहनत करनी चाहिए थी की नहीं। नमाज में ऐसे ख्यालात ना आवे, इसके ऐसे मुफ्त में नहीं होगा ये, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? ध्यान देने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नमाज में जो पढ़ा जाता है उसको तवज्जो, उसका पूरा शेड्यूल है नमाज का एक पूरा। आप इस्तिंजा करते हैं वहां से लेकर वुजू करते हैं और उसके बाद फिर जो है नमाज फर्ज नमाज से पहले सुन्नतें पढ़ते हैं। बहुत से तो कुछ करते नहीं, वो सारे मुकदमा कुछ नहीं। फिर आप दावत खाने के लिए जाते हैं तो जो शानदार किस्म की दावतें होती है उसमें क्या होता है? वो पहले बैठे तो सूप आया, वो अभी तरह चखा थोड़ा और थोड़ी देर के बाद कुछ और आया, एक साथ सब नहीं आता, धीरे धीरे। ऐसी मुख्य किस्म की जो दावत है धीरे धीरे वो आपकी भूख को खोलना चाहते हैं और उस इस तरह। तो ये नमाज की भी एक तरतीब रखी है शरीयत में। आप अपनी वुजू करें, इस्तिंजा करेंगे, पेशाब। अब हमारा हाल क्या है? नमाज की तैयारी है, अजान तो कब से सुन ली। अब अजान सुनते ही अगर हम तैयारी कर लेते, अजान से पहले तैयारी कर लेते तो आसान था, लेकिन अजान सुनने के बाद भी बैठे रहे, बातें चल रही चल रही, 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी आए, अब पेशाब का तकाजा, तुम सीधे चले गए कहां? सिंधा खाने में, अल्पिंदा में जल्दी जल्दी पेशाब। अभी तो कतरे असल बंद हुए भी नहीं थे और पानी मुंह डाल के निकल। ये कतरे जो बाकी रह जाते हैं, बाकायदा मसला है, इनमें से पूछो, जब तक ये कतरा निकलना मुकम्मल तौर पर बंद न हो जाए वहां तक इस्तिंजा यानी वो पानी डालना या ढेला इस्तेमाल करना है, उसके बाद नहीं। इस्तिंखा कहते हैं उसको, ये जरूरी है। इस्तिबरा कहते हैं यानी वो या पेशाब पूरे पूरी निकल जाए। हम तो बोल वो आधी निकली आधी हो पानी, अब तुम्हारा पायजामा नापाक होगा, फिर नमाज पढ़ोगे तो नमाज कहां से दुरुस्त होगी? नहीं, बाकायदा ये भी एक शेड्यूल है, उसको अच्छी तरह हमें क्या करना है, इत्मीनान के साथ। और शैतान के वसवसों की शुरुआत वहीं से होती, शैतान खुद नापाक, और नापाकी हमने शुरू से रख ली, पाक नहीं हुई तो शैतान को और मौका मिल गया काई का वसवसा डालने। शैतान जो है बड़ा चटोरिया है, उसको ये गंदगी बहुत अच्छी लगती है। तो बहरहाल इसलिए इस्तिंजे के मामले में बहुत एहतियात की जरूरत। वो भी नहीं जो अहम वाले करते हैं, अगली मजलिस में मैंने कहा था ना एक एक घंटे तक वो भी नहीं करना है, लेकिन शरीयत की हद में रह के करना है। तो बहरहाल ये उसके बाद वुजू, वुजू भी इतना हमारा हाल क्या, वुजू के तरीके हमारे, अल्लाह की पना, बातें हो रही है, नल खोल दिया, पानी गिरता जा रहा है। आप किताबों में पढ़िए वुजू में जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना क्या है, फजूल खर्ची जिसको कहते हैं पानी की, ये हराम है। अपनी अपना हो तो मकरूह तहरीमी है, दूसरा मस्जिद का हो तो हराम, ये तो वक्फ़ का है।
हमको इतना ही पानी इस्तेमाल करने की इजाजत है जिससे हमारा वुजू हो जाए, और हम जो है नल खोल के बैठे बातें कर रहे हैं। अभी तो वुजू शुरू करने से पहले 10 बाल्टियां पानी तो ऐसे ही गए। ये जो पानी का जिया और बर्बादी होती है उसका उसकी नहुसत क्या होती है? आदमी के नमाज के अंदर से खुशू वुजू निकल जाता है। खुशू को निकालने में इसका बड़ा दखल है, पानी का भेजा इस्तेमाल कर। जिसकी शुरुआत ही हराम काम से हुई, वही हराम हुआ तो अब नमाज कैसे होगी? आप अंदाजा लगा सकते। बहुत एहतियात की जरूरत है। नमाज शुरू करें, अब पढ़ें तो पढ़ने में हमें अपना ध्यान इधर लगाना चाहिए। हमारा हाल तो एक अल्लाह ऊपर कहा ऐसा मानो होता है स्विच ऑन कर दो टेप रिकॉर्ड की, इधर हमारी जबान चल रही है जबान यूं चल रही है और दिल पता नहीं कहां घूम फिर रहा है, कहां बातें हो रही है, क्या हो रहा है। कहीं वह चाइना जाना था खरीदी करने के लिए, पूरा सफर भी हो गया है। क्या है हमारा ध्यान? नमाज में ध्यान लगाने के लिए जो मेहनत करनी थी वो आज तक हमने कभी की? अभी जैसे अभी मेरी तकलीफ में यहां बात तो सही थी, दिन में ख्याल आएगा हर एक को यार बात तो हमें ध्यान लगाना चाहिए। तो क्या करेंगे आज? तो अभी जो नमाज पढ़ूंगा ना सुबह की, बहुत ध्यान लगा अभी तक नियत बाधी, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, और रहमान रहीम पढ़े इतनी देर में तो गाड़ी पटरी से उतर गए। क्या ध्यान चला गया वो भी याद नहीं रहा, वो भी याद नहीं रहा उसको। ऐसा ध्यान गया कि सारी नमाज पूरी कर ली तो भी याद नहीं आया, दो दिन के बाद याद आया। नमाज तो ध्यान से पढ़ने की, आज से दो दिन पहले ख्याल आया था अब वो क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लगे रहो, भूल हो गए ठीक है, आज फिर ध्यान। आज ये होगा कि रहमान रहीम तक गाड़ी पटरी पर रही, फिर मालिक यौमिद्दीन आया और उतर गई। लेकिन बहरहाल आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, एक दिन आएगा आपका जी नमाज के अंदर क्या होगा। आज तो हम तो मेहनत में कोई मेहनत, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई आदमी बड़ा ताजिर है, बहुत बड़ी दुकान है, तो क्या पहले दिन में वो बाजार बन गया, दुकान चल रही है? नहीं, हमारे एक दोस्त थे मिलने वाले नवसारी के थे, उनकी बड़ी अच्छी दुकान थी कपड़े की, तो कहा करते थे इंतजार हो गया अल्लाह उनको करी करे, तो वो अपना वाक्य जो है बड़ी इससे बयान करते थे कि पहले वो था मैं तो वहां फुटपाथ के ऊपर पसारा बिछा करके माचिस बेचता था, उसके बाद यूं हुआ, उसके बाद यूं हुआ, उसके बाद यूं हुआ, धीरे धीरे कोई भी है अंबाड़ी अंबाड़ी तो पहले दिन में बन गया। नहीं उसने पता नहीं कि क्या क्या कितनी मेहनत की होगी। तो मैं कह रही थी तो कहने का हासिल ये दुनिया हो या कोई भी हो आपको मेहनत किए बगैर तो कोई चीज मिलती नहीं। तो नमाज के अंदर जी लगाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी जो आज तक हमने की नहीं है। हम तो यूं चाहते हैं कि हमें बस एक ही दिन में ऐसा हमारा जी लगे कि हम बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंच जाए। नहीं भाई, ये सातवें आसमान पर पहुंचना आसान नहीं है। तो बार बार ये मेहनत करोगे तो आदमी का जहन कैसा बनाए मालूम? आदमी हमारा ध्यान क्यों नहीं रहता? तवज्जो आदमी देखो, जो चीज आदमी के शौक की होती, आप किसी किताब में कोई मजमून पढ़ें, आपको क्रिकेट का शौक है और आप अखबार में वो क्रिकेट की जो है ये आई है तफसील आई है वो पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उस पढ़ने के दौरान कोई दूसरा ख्याल भूले से भी आपको आएगा। क्यों? इसलिए कि किसी चीज को पढ़ने के लिए जितना ध्यान देने की जरूरत है वो 100% ध्यान आप उसमें लगा रहे हैं। शौक कुछ नहीं, आपका जी लगता है इसमें, तो आप उसमें कोई दूसरा ख्याल आएगा ही नहीं। और जो चीज आपके ध्यान के लिए कुरान लेकर के बैठे, और कुरान लेकर के बैठे तो वैसे भी आपका जी नहीं है, और कुरान के अंदर क्या होगा बगैर ध्यान? तो हमारी तवज्जो के 100 हिस्से हैं, उनमें से 10 हिस्से इसमें लगे हैं, इसमें कुरान की पढ़ाई, और बाकी वो जो 90% है वो बेकार नहीं रहेगा, वो अपनी अपनी जगह ढूंढेगा। वो
तो उसमें दूसरे ख्यालात आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए हमें मेहनत करनी है, करते 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 100% हमारा ध्यान नमाज में आ जाए, वहां तक हम चैन से न बैठे तो फिर देखो कोई ख्याल नहीं। कहने का अर्थ यह है कि ये इस तरह नमाज में आने वाले ख्याल दोबारा वैसे उससे नमाज तो टूटती नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से गाफिल भी होना नहीं चाहिए और उसकी वजह से परेशान भी नहीं होना चाहिए। बाद लोग ऐसे ख्याल आदि मानता मेरी नमाज क्या खाली उठक बैठक है, खाली सर टकराने का है। अरे भाई, सर टकराने का हो तो भी अल्लाह ने आपको तौफीक दी, अपने दरबार में हाजिरी की, उसका शुक्र अदा करो। बहुत वो है जिनको शहादत नसीब नहीं, अल्लाह ने हमको तौफीक दी इस माना करके ये बड़ी कदर की चीज है। अलबत्ता उसके लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो हमने की नहीं, कमजोरी है वो हमारा फॉल्ट है, उसको हमें दूर करना है। तुम्हारा मैं याद कर रहा था कि ये जो नमाज के ख्यालात उसकी वजह से नमाज टूटती तो नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत अलबत्ता तो सारी चीजों पर, वजू पर, तहारत पर, और ये जो है ये नमाज में पढ़ी जाने वाली, मैंने कहा अभी इसीलिए शुरू किया, सूरह फातिहा पहले, ये सब सूरतें जो नमाज में आमतौर पढ़ी, तो आपको मतलब बताया गया है तो उसको ध्यान में रखो ताकि पढ़ो तो उसको तो ध्यान में समझना है कि नहीं। तो ये जो नमाज में आने वाले ख्याल आते हैं, बहरहाल उससे भले नमाज न टूटे, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि उसकी भी नौबत आने ना पाए, और कोशिश के बावजूद खुदा ना करे ख्याल आते हैं तो भी इंशाअल्लाह उससे नमाज फासिल नहीं हो, न टूटेगी नहीं, हमारा फरीजा क्या हो जाएगा, अदा हो जाएगा। और कभी कभी तो इसी में हमारे लिए इस्माना करके खैर हो जाती है कि हम ऐसी टूटी फूटी नमाज किस पढ़ते हैं जिसमें 2 मिनट के लिए भी हमारा ध्यान अंदर होता, उसके बाद भी हमारा हाल यह कि ऐसी नमाज पढ़ के भी हम दूसरों को कितना हकीर समझते। तौफीक दे दी अल्लाह ने जो रकात पढ़ने की, हालांकि हमारी जो रकात कैसी हो तो हम ही जानते हैं, अल्लाह जानता है, लेकिन ये दो रकात पढ़कर कि जितने हैं उन सबको हम हकीर समझते हैं कि मैं हूं बड़ा, मेरे जैसा कोई, दूसरों की तहकीर। अब जिस नमाज को पढ़कर दूसरों की तहकीर आ गई तो उसके बाद आप कहेंगे कि फिर क्या होगा। इसलिए ये भी कभी तो अल्लाह की हिकमत भी होती है, हम तो ऐसी नमाज पढ़ के भी अपने आप को बड़ा समझते हैं, हालांकि इसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारा ये जो ख्याल वसाविस जो थे, वसाविस जो थे इनका ये तफसील बता दी है। तो ये 3 चीजें थी, उसमें और भी बहुत कुछ तफसील कहने की जरूरत है, लेकिन अभी मुख्तसर तौर पर आपको बता दिया। इस सिलसिले में मेहनत करो, अपना ध्यान लगाओ, और जितनी अल्लाह से दुआएं करो शैतान से बचने के लिए ही, वरना तुलत है उसको पढ़ते रहो बार बार, उसके शैतान के असर से भी हिफाजत, ऐसा माहौल, ऐसी चीजें जिसकी वजह से ये बुराइयां आ सकती है उससे भी अपने आप को दूर रखो, तो इंशाअल्लाह ईमान की भी हिफाजत होगी और जो है आमाल को भी सही तरीके से अंजाम देने की, अमल में लाने की तौफीक होगी। अल्लाह हम सब को इसकी तौफीक अता करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں اور ان کی وسوسہ اندازیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وعلانا محمد